पंजाब से मलोट के बीजेपी विधायक के साथ हुए दुर्व्यवहार के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज भिवानी के रोहतक गेट पर पंजाब सरकार का पुतला फूंका है। इस अवसर पर भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ भी मौजूद थे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पंजाब की कैप्टन सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि किसानों का विरोध बीजेपी सरकार के खिलाफ हर जगह देखने को मिल रहा है। जहां भी बीजेपी के नेता जाते हैं, वहां अलग अलग तरीकों से किसान बीजेपी के नेताओं का जमकर विरोध करते हैं। पिछले दिनों बीजेपी विधायक अरुण नारंग का जमकर विरोध और उनकी पिटाई के मामले ने पंजाब के साथ साथ हरियाणा में भी तूल पकड़ लिया है। वही इस दौरान कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अरुण नारंग के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार करके लोकतंत्र की हत्या की है। देखिए, आज का जो पुतला दहन का कार्यक्रम है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में पंजाब के अंदर जिस प्रकार का दुर्व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के विधायक के साथ में कांग्रेस के लोगों ने किया है, वो बहुत निंदनीय और शर्मनाक है। हम इस प्रदर्शन के माध्यम से पूरे देश की जनता को बताना भी चाहते हैं, कांग्रेस को चेताना भी चाहते हैं। किसान आंदोलन की ओड लेकर के, किसान आंदोलन के पीछे, पर्दे के पीछे की भूमिका जो थी, वो अब कांग्रेस पार्टी की सामने आ गई है। विरोध की राजनीति आज नहीं, हमने 60 साल तक, 55 साल तक विरोध की राजनीति को किया, परंतु उस राजनीति के अंदर हम मूल्यों के आधारित राजनीति करते थे। विरोध की राजनीति में कांग्रेस पार्टी को लगातार 7 साल के शासनकाल में विरोध करने के कोई कारण नहीं मिले, तो उन्होंने इस किसान आंदोलन के माध्यम से और अपनी राजनीतिक जमीन वापिस लेने का प्रयत्न किया, परंतु इतनी नीचे तक की उनकी सोच होगी, इतना नीचे गिर जाएगी राजनीति के अंदर, हमने ऐसी कल्पना नहीं की थी। लेकिन यह तो कहा जा रहा है कि किसानों ने किया था, कांग्रेस इसको, अगर ये काम किसानों ने किया हो, किसान तो देखिए वो है ही नहीं, किसान अपने खेतों में काम कर रहा है, एक व्यक्ति के दो व्यक्ति बने हुए हैं। कृषि का जो अभी चरमोत्कर्ष है, क्योंकि लामड़ी का टाइम चल रहा है, किसान अपने खेतों में है, ये गुंडा तत्व है और कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित सब है। किसान अपने खेत में, किसान कहीं नहीं, सब गुंडे हैं। विरोध है नहीं, ये तो पार्टी का विरोध है, जो विपक्ष में बैठे उन लोगों का विरोध है, कांग्रेस और इनेलो का विरोध है, किसान का विरोध कहीं नहीं है। आप उन चेहरों को देखें जो जहां पर विरोध प्रदर्शनों के अंदर बैठे हैं, वो टोटल जो है राजनीतिक लोग हैं। किसान आप खेत में चले जाएं, खेतों में काम करते हुए मिलेंगे। का मतलब ये हुआ कि पंजाब सरकार उन सब के फेवर में थी, उसके लिए ये पुतला फूंका गया, क्योंकि ये अपमान एक विधायक का नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के विरोध का अपमान था, जो कि हमारी सरकार जो कृषि कानून लेके आई है उनके जो समर्थन किया गया है, न किसी किसान का मतलब था, न किसी और का मतलब था, बल्कि ये हरियाणा में भी ऐसे बहिष्कार हो रहे हैं, विरोध हो रहे हैं, तो समाधान क्या मानते हैं इसका? हरियाणा में जो हमारे अविश्वास प्रस्ताव आया, उसके 32 के खिलाफ संबंधित 55 विधायक हमारे विरोध में थे, और जबकि कुछ कांग्रेस पार्टी ने जो प्रस्ताव पेश किया वो ऑन द मूव गिर गया, और विश्वास के लिए हमारी सरकार के विरोध में 55 विधायक गए, जबकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वोट मिलाए तो 56 विधायक हमारे फेवर में थे। जिससे सरकार विधायक जी समाधान क्या मानते हैं, इसका समाधान क्या हुआ? ऐसी आज भी में फसलें जा रही है, और जो आड़ती हैं उनको आड़त मिल रही है, और इस प्रकार से हमारी सरकार ने 3 साल और आगे दिए ये फसलों की खरीद और मंडी के व्यापारी आड़तियों को उसका कमीशन देने की बात। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।